हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज का दिन तो रोलर कोस्टर की तरह बस चलता ही जा रहा है। काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुबह जब मैं उठा हूँ तो वो टैंकी साफ़ करने वाले आए हुए थे, उन्होंने नीचे वाली टैंकी साफ़ कर दी थी उस दिन। आज ऊपर वाली जो दो टैंकियाँ थी वो साफ़ करनी थी, वो साफ़ करना शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद बेल हुई तो ये हमारे फ़िल्टर वाले आ गए, जिन्होंने फ़िल्टर लगाना था। उनसे भी उस दिन बात हुई थी कि टैंकी साफ़ करने के बाद फ़िल्टर लगेंगे ताकि पानी जो है सारा साफ़ ऊपर जाए, तो वो फ़िल्टर लगाना शुरू हो गए। और आपको पता है उस दिन जब हम प्लम्बर आया हुआ था तो हमारा एक जो है वो पाइप बंद था, जिसकी वजह से कुछ स्टूडियो में पानी नहीं आ रहा था, ठंडा पानी नहीं आ रहा था। उसको सोल्यूशन ये निकाला, किसी ने बताया कि स्पेशल किस्म का सल्फ्यूरिक एसिड होता है लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, 37% उसकी कॉन्सिस्टेंसी होती है, वो आपने लेके आना है और वो ऊपर से पाइप में डालना है। सारे पाइप्स में गुजरेगा, जहाँ भी बंद होगा वो निकल जाएगा और पाइप खुल जाएगी। वो डालने शुरू किए, पहले एक टूटी खुली, फिर दूसरी खुली, फिर तीसरी खुली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुल गई और ऐसा गंद निकला उसमें से, जंग जो होता है मिट्टी होती है सारी टूटियों में से निकली, तो वो काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और इस दौरान जब हम ये काम कर रहे थे तो जो फिल्ट्रेशन वाले थे उन्होंने अपना फ़िल्टर भी लगा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह दो फ़िल्टर लग गए, एक ऊपर वाले पोर्शन के लिए एक नीचे वाले पोर्शन के लिए, तो वो काम भी हमारा बेहतरीन हो गया। अभी मैं आ गया हूँ ऑफिस, नमाज़ वगैरह पढ़ के, नमाज़ें भी आज लेट होगी, इकट्ठी पड़ी नमाज़ें। अभी मैं ऑफिस आ गया हूँ, हम शाम के 5:30 हो रहे हैं। तो आपको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि हमने ऊपर डरबा बनाना है मुर्गियों का, हमारे पास स्पेस है, तो उस दिन शुरू किया था लेकिन किसी वजह से हम कंप्लीट नहीं कर सके। तो आज हम सीमेंट का बनाएंगे उसे और वो बनाते हैं, तो भाई आज मिस्त्री बनेगा तो भाई की ज़रा स्किल सेट करें तो वो बन जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसमें हम मुर्गे वगैरह रखेंगे और सर्दियों में देसी अंडे खाएंगे। ओ मेरे मजदूर साहब, जल्दी करो काम, खाओ नेरा पै गई। एक तो ठेकेदार साहब बैठे हैं व्लॉग बना रहे ने, मजदूर जेड़े है वो काम बड़े ढिले कर रहे हैं, और दूजा मजदूर जेड़ा है पानी ला रहा है इटा, पता नहीं नजर ही आ रहा है ये नहीं मजदूर साहब। चार एक का मसाला बनाना है, चार एक का। हाँ जी मजदूर एक वीडियो यार सलाम साहब बैठे हैं, हम बजा पा रहे हैं गरम करके। माशाल्लाह जी, ये देखें जी मिस्त्री साहब लगे हैं, ये दरअसल मिस्त्री साहब माशाल्लाह उल्टी तरफ से ईंट लगाना शुरू कर दी है। असल में हमारे मिस्त्री है ना, हमारे मिस्त्री कंफर्टेबल नहीं है जी, इधर लंबर स्पोर्ट वाली चेयर होनी चाहिए वो है नहीं। तो मिस्त्री साहब अगर कोई बंदा बता सकता है कि हमारे मिस्त्री साहब कहाँ गलती कर रहे हैं, ज़रा मैं वीडियो को जूम कर रहा हूँ देखें और हमें बताएं। मेरी वीडियो देखने वाले सारे मिस्त्री बैठे हैं ना, बेहतरीन दीवार बननी पड़ी है सलाम साहब तुझे ज़्यादा। ये देखें जी मिस्त्री साहब रोड़ा मांग रहे हैं, इसके बाद तेरी बारी है, लग जाएगा पता। ये देखें जी बातें कर रहे हैं, ये एक दफा वीडियो में क्लियर करवा दूं, ये बिल्कुल सही है दीवार, अरसलान ऐसे ही जो लगा हुआ है, इसको पता किसी चीज का है ही नहीं। वो दे यार कुछ सही सूत्र।
इसे सिर्फ बातें बनाना आती हैं और कुछ। अभी ये फ्रंट रहता है जी, इंशाल्लाह फ्रंट मैं बनाऊंगा। एक दीवार वैसा बना रहे हैं, बस थोड़ा सा काम रह गया वैसा आपका। हाँ जी, जड़ा पहला मेरा मजदूर सी, हूँ मिस्त्री बन गया। अब तेरे साथ मुकाबला है भाईजान। मेरी दीवार यहाँ पे बनी बिल्कुल सीधी नजर आ रही है। अब तेरा काम भी आसान है, ठीक है, तो देख लेते हैं कितनी सीधी दीवार। मिस्त्री बन के रहना, मजदूर बन के रहना, सारे काम सीखने पड़ते हैं। लग जाता है पता तेरा भी। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। भाई मजदूरी तो अपनी जगह पे काम कर लिया, लेकिन जिम मिस नहीं कर सकते थे, एक्सरसाइजेस मिस नहीं कर सकते थे। तो हम जिम आ गए। जिम आकर सबसे पहले जो है वो हम अपनी जो स्ट्रेचिंग करते हैं, अपने वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं, वो करके फिर ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं। If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what. यार प्लैंक जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्लैंक लास्ट भी करना चाहिए, ये आपकी कोर को भी स्ट्रॉन्ग करता है और सबसे फास्टेस्ट वे है कि आप अपनी कैलोरीज बर्न करें। और ओवरऑल पूरी बॉडी जो है वो आपकी काम कर रही होती है इस प्लैंक के अंदर, तो ये लाजमी किया करें। सिर्फ स्ट्रेट प्लैंक नहीं, आप जो है वो साइड प्लैंक्स भी कर सकते हैं। मैं तो हमेशा जब भी हूँ साइड प्लैंक करता हूँ, और फिर दूसरे बाजू पे भी, यानी दोनों तरफ साइड प्लैंक करता हूँ। I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. जब भी थोड़ी सी फील होता है कि मेरी बॉडी में फटीक आ रही है, तो फिर मैं कोई ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ जिससे मेरी बॉडी को स्ट्रेचिंग मिले। स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले आके ऊपर मैंने टांगों की एक्सरसाइजेज की, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है, तो आप टांगों से शुरू करें। उसके बाद मैंने फिर बटरफ्लाई की। बटरफ्लाई चेस्ट के लिए बेहतरीन होती है। मैं ज़्यादा, मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जो पता है उसके मुताबिक मैं एक्सरसाइजेज कर लेता हूँ। उसके बाद शोल्डर की जो है वो एक्सरसाइजेस की मैंने। उसके बाद फिर मैंने चेस्ट की एक्सरसाइजेस की। ये जो है ना आपके बाइसेप्स को भी बड़ा स्ट्रेच कर रही होती है, आपके जो साइड विंग्स होते हैं उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल होती है। उसके बाद फिर मैंने टांगों की एक्सरसाइजेस की, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। आप लाजमी आपको टांगों की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। खैर मेरी वार्म अप एक्सरसाइजेस काफ़ी हो गई थी, तो इसके साथ ही यार आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपने खैर देश को इजाज़त दीजिए, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।